ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइक शॉर्ट्स। आज इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 4 को वन शॉट कंप्लीट समझने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग टू दी चैप्टर, ये जो नोट्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, इन नोट्स में दो पेजेस की इस पीडीएफ में आपका पूरा चैप्टर 4 समअप है। तो इस नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बस यही बताना चाह रहा था मैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, बाकी अब आप फर्दर आगे वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। सो नाउ सबसे पहला टॉपिक जो हमारे सामने आता है वो है एबनॉर्मेलिटी। तो एबनॉर्मेलिटी का मतलब ये होता है कि जो चीज नॉर्मल नहीं, मतलब समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल, उसे हम एबनॉर्मल कहते हैं। जैसे कि अभी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के अलावा मैं यहां पर हनी सिंह का गाना गाने लग जाऊं, तो भाई ये एबनॉर्मल होगा ना, ये चीज नॉर्मल नहीं है। आप पे क्लासरूम में बैठे हैं, क्लासरूम में कोई बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा अचानक से उठ के नाचने लग जाए, ये चीज एबनॉर्मल होगी। इसे हम कहते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि एबनॉर्मल। अब हम इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे अभी आगे हम जाएंगे। तो एबनॉर्मल बिहेवियर मतलब ऐसा बिहेवियर जो कि नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। बट क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा बिहेवियर नॉर्मल है और कौन सा बिहेवियर एबनॉर्मल है। तो उसको डिफाइन करने के लिए दो अप्रोचेज हमारे सामने आती हैं। पहली अप्रोच है डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म अप्रोच, दूसरी अप्रोच है मैन अडेप्टिव बिहेवियर अप्रोच। पहली अप्रोच बहुत सिंपल सी हमें बताती है कि भाई डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स जहां पर होता है, मतलब कि सोसाइटी आपको कुछ और कह रही है और आपके जो बिहेवियर है वो कुछ और तरीके के है। सोसाइटी हमें कह रही है कि लड़के साड़ियां नहीं पहनेंगे, सोसाइटी हमें कह रही है कि क्लासरूम में सारे बच्चे चुप बैठेंगे, टीचर बोलेगी, बच्चे उनकी बात सुनेंगे। अगर ये नहीं होता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, ये पहली अप्रोच है सोशल नॉर्म्स वाली अप्रोच, कि भाई जो बिहेवियर सोशल नॉर्म के हिसाब से नहीं चल रहा है उस बिहेवियर को हम एबनॉर्मल कह देंगे। दूसरी अप्रोच ये कहती है कि मैन अडेप्टिव बिहेवियर। मैन अडेप्टिव का क्या मतलब होता है? मैन अडेप्टिव बहुत ही सिंपल सी एक शब्द है। मैन अडेप्टिव का बेसिकली मतलब होता है जो बिहेवियर अच्छा नहीं, मतलब जो बिहेवियर बुरा बिहेवियर है, बुरे बिहेवियर को हम कहते हैं माल अडेप्टिव बिहेवियर है। वैसे मैन अडेप्टिव का मतलब होता है कि जो एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसा बिहेवियर। बट इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी जो बुरा बिहेवियर, जो नेगेटिव बिहेवियर है, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना आपके लिए अच्छा है, ना आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा है, ना आपके ग्रुप के लिए अच्छा है, उस बिहेवियर को हम कहेंगे कि ये मैन अडेप्टिव बिहेवियर है। तो इस मैन अडेप्टिव बिहेवियर को भी हम एबनॉर्मल कंसिडर करेंगे। तो हमें क्या जवाब मिला कि एबनॉर्मल बिहेवियर कैसे कंसिडर करेंगे किसी बिहेवियर को? हम तब उसे एबनॉर्मल कहेंगे जब वो बिहेवियर या तो बुरा है, मैन अडेप्टिव मतलब अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, और या फिर वो सोसाइटी के नॉर्म से बिल्कुल परे जा रहा है। सोसाइटी कुछ और कह रही है करने को, हम कुछ और कर रहे हैं। तो ये दो अप्रोचेज हैं जिससे हम डिफाइन करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। उसके बाद अब हर एबनॉर्मल बिहेवियर के कुछ फीचर होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये चारों फीचर, ये जो 4 D's हैं, ये आपको हर किसी बिहेवियर में देखने को मिले, बट ज्यादातर बिहेवियर्स में ये चारों डीज पाए जाते हैं। जैसे कि डेवियंस, डेवियंस मतलब एक्सट्रीमली कोई चीज डिफरेंट है, बहुत अलग कोई चीज है। देन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रेस मतलब कि कोई चीज जो कि स्ट्रेसिंग है, जो हमारे लिए स्ट्रेसफुल होती है। देन डिसफंक्शन, यानी कि ऐसे बिहेवियर आपकी लाइफ के फंक्शनिंग में हैम्पर करते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग आपको नहीं करने देते हैं, डिसफंक्शन हो जाता है वहां पर। देन डेंजर, डेंजर का मतलब कि ऐसे बिहेवियर आप नॉर्मल बिहेवियर में एक डेंजर का भी एलिमेंट होता है, मतलब भाई मान लो किसी को हेलोसिनेशन हो रही है, उसे लग रहा है कि उसके सामने कोई खड़ा है उसे मारने वाला है, पर कोई ना हो उसके सामने, वो कुछ बाहरी चीज फेंक के मार दे तो आगे जो पर्सन खड़ा है उसके लग जाएगी, तो डेंजरस हुआ ना ये बिहेवियर। तो मतलब कि 4 D's होते हैं हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं आप इसे। डेवियंस की वो बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होगा, डिस्ट्रेस की वो बिहेवियर स्ट्रेसफुल होगा, मतलब हमें स्ट्रेस देगा उस पर्सन को, खुद को भी और उसके आसपास के लोगों को भी। डिसफंक्शन यानी कि उसकी लाइफ में डिसफंक्शन, मतलब उसकी लाइफ डिसफंक्शन हो जाएगी, उसकी लाइफ सही तरीके से काम वो नहीं कर पाएगा, अपने नॉर्मल एक्टिविटीज में हैम्पर करेगा ये बिहेवियर उसका। और देन डेंजर, यानी कि इस बिहेवियर में डेंजर का एलिमेंट भी हमें मिलता है। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो टॉपिक, अब पहले हम कवर करते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, कि भाई एबनॉर्मल बिहेवियर को हिस्ट्री में कैसे देखा जाता था, वो हमने इसमें बस पढ़ने की कोशिश कर। तो हिस्ट्री को हम दो तरीकों से देख सकते हैं, एक तो है उसे टाइमलाइन के हिसाब से देखना कि भाई पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, और एक है ओवरऑल अप्रोचेस के हिसाब से देखना कि हिस्ट्री में टोटल कितने व्यूज थे एबनॉर्मल बिहेवियर को लेके। तो अगर हम टोटल अप्रोचेस के हिसाब से पहले देखें तो कुछ 5 major टोटल अप्रोचेस आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेंगी। सबसे पहली अप्रोच है सुपरनेचुरल अप्रोच, दूसरी होती है बायोलॉजिकल या फिर ऑर्गेनिक अप्रोच, तीसरी साइकोलॉजिकल अप्रोच, एंड देन ऑर्गेनिस्मिक, एंड देन गैलन ने कुछ अपनी और थ्योरी दी।
तो सबसे पहली अप्रोच आती है सुपरनेचुरल अप्रोच। सुपरनेचुरल अप्रोच क्या कहती है, ये कहती थी कि भाई जो हमारे सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या कोई भी जो अबनॉर्मल बिहेवियर है वो भूत प्रेत आत्मा की वजह से हो रहा है, मतलब किसी के अंदर कोई आत्मा आ गई है, भूत प्रेत आ गया है तो इस वजह से हो रहा है। इसमें उसे निकाला कैसे जाता था, फिर उसे निकालने की प्रोसेस को हम कहते थे एग्जॉर्सिज्म। एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस के थ्रू एक कोई बाबा बाबा जो अब इसे कुछ नींबू वींबू काट के, मतलब जैसे अभी होता है ना कि तेरे अंदर भूत आ गया आत्मा आ गई तो नींबू काट देंगे निकल जाएगी, तो ऐसे करके मतलब कुछ भी उनकी अपनी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एग्जॉर्सिज्म। तो एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस के थ्रू आपके अंदर से भूत प्रेत आत्मा निकाली जाती थी सुपरनेचुरल अप्रोच के अंदर। ये माना जाता था कि इस तरीके से आपका डिसऑर्डर या फिर आपका कोई भी अपना बिहेवियर ठीक किया जा सकता है। वो निकालता कौन था, वो जो बाबा जिसे हम कह रहे हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं मेडिसिन मैन। ठीक, तो मेडिसिन मैन एग्जॉर्सिज्म के थ्रू आपके अंदर से भूत प्रेत आत्मा निकालेगा, और आपके अंदर भूत प्रेत आत्मा है इस वजह से आपको डिसऑर्डर या कोई भी अपना बिहेवियर है, ये मानती थी सुपरनेचुरल अप्रोच। इसके बाद आती है बायोलॉजिकल अप्रोच। बायोलॉजिकल अप्रोच को हम ऑर्गेनिक अप्रोच भी कहते हैं। इसका सिंपल सा मानना ये था, अब बेसिकली थोड़ा से लोग समझदार होने लगे, उनको लगा कि यार नहीं भूत प्रेत आत्मा तो नहीं होगी, कुछ और दिक्कत होगी भाई, कुछ दिक्कत हमारी बायोलॉजी में होगी, कुछ हमारी भाई दिमाग के अंदर कुछ दिक्कत होगी, ब्रेन में कुछ दिक्कत होगी, बॉडी में कुछ दिक्कत होगी, शायद इस वजह से ये डिसऑर्डर या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर सामने आ रहा है। इस अप्रोच को हमने नाम दिया बायोलॉजिकल अप्रोच। देन आई साइकोलॉजिकल अप्रोच। थोड़े लोग और समझदार हुए कि नहीं यार सिर्फ फिजिकैलिटी की बात नहीं है, सिर्फ ब्रेन या फिर बॉडी तक भी हम लोग सीमित नहीं है, हो सकता है कि साइकोलॉजिकली कुछ इशू आया हो, मतलब माइंड लेवल पर कुछ इशू आया हो, ब्रेन नहीं माइंड, मतलब कि आपके थॉट्स, आपकी परसेप्शन, आपने किसी चीज को गलत तरीके से परसीव कर लिया, आपने किसी चीज को गलत तरीके से सोच लिया, कुछ इस वजह से भी दिक्कत हो सकती है, ये माना साइकोलॉजिकल अप्रोच ने। उसके बाद आई ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच। ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच ने क्या कहा था, तो ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच बहुत सिंपल सी है। इसमें इन लोगों ने एक पक्ष हमारे सामने रखा कि भाई कई बार क्या होता है हमारे इमोशन और हमारे ब्रेन में भी कोई मतलब क्लैश हो जाता है, मतलब सॉरी इमोशन और रीजन में भी कोई क्लैश हो जाता है। इमोशन और रीजन का ये जो क्लैश है, मतलब कई बार हमारा मन कहता है कि नहीं यार ये कर लेता हूं, पर दिमाग कहता है कि नहीं 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 भाई ऐसा नहीं करना, ये गलत हो जाए, मतलब मन कह रहा है कि दोस्त के साथ घूमने चले जाते हैं, दिमाग कह रहा है भाई पागल है क्या, कल पेपर है भाई ऐसा नहीं करना तूने। ये जो क्लैश है, ये जो मन कुछ और करने का कर रहा है और करना कुछ और चाहिए, इस क्लैश की वजह से भी कई बार हम एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं, ये मानती है ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच। देन गैलन की थ्योरी आती है। तो गैलन ने भाई सिंपल सी बात कही थी कि हमारी बॉडी के अंदर ना चार तरीके की ह्यूमर्स है। ह्यूमर क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस। आपके अंदर भाई ब्लड है, आपके अंदर येलो बाइल है, आपके अंदर ब्लैक बाइल है, आपके अंदर प्लाज्मा है, ये जो चार तरीके की ह्यूमर्स है, इनमें जब इम्बैलेंस आ जाता है, मतलब इनमें कुछ भाई कम ज्यादा मात्रा इनकी हो जाती है, तब भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। अब इन चीजों को टाइमलाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो टाइमलाइन के हिसाब से सबसे पहले ये जाती है मिडल एज, जिसे हम बोलते हैं 5th से लेकर 15th सेंचुरी तक के बीच का टाइम पीरियड है। इसमें सारी जो मतलब आइडियोलॉजी थी हमारी सोसाइटी की वो सुपरनेचुरल अप्रोच पर ही केंद्रित थी। तो मिडल एज में सुपरनेचुरल अप्रोच फॉलो होती थी, भूत प्रेत आत्मा विच हंट की प्रैक्टिसेस वगैरह इसमें बहुत ज्यादा होती थी। और यहाँ पर सबसे बड़ा नाम जो आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ST अगस्टिन। ये अगस्टिन इस तरीके के इंसान थे कि इन्होंने बेसिकली लिखना चालू किया था ऐसी सोसाइटी में जहां पर लोग इतने ज्यादा अंधविश्वासी थे, वहां पर इन्होंने लिखना चालू किया कि यार और भी कारण हो सकते हैं, ये भूत प्रेत आत्मा से बाहर निकलो और चीजों को देखो, मेंटल लैंग्वेज को देखो, आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को देखो, इनकी वजह से भी डिसऑर्डर हो सकते हैं। और अगस्टिन की इन राइटिंग्स ने इस जो उन्होंने बेसिकली रिवॉल्ट किया वहां पर, उसकी वजह से ही साइकोडायनेमिक अप्रोच की भी एक बेस बना था। तो मतलब ये बहुत बड़ा नाम है हिस्ट्री में अगस्टिन, ये आपने याद रखना, ये हुए थे मिडल एज के दौरान। देन रेनेसेंस पीरियड आया। रेनेसेंस पीरियड में अब लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थोड़ी बढ़ गई थी, लोगों के अंदर ह्यूमनिज्म थोड़ा सा बढ़ गया था, तो उनको भूत प्रेत आत्मा नहीं कहते थे, अब वो समझ गए थे कि भाई कोई और दिक्कत है यार, कुछ तो और है यहाँ पर, तो वो समझना चाहते थे अभी एक इंसान को। तो यहाँ पर जॉन वेवर का रोल चालू होता है। जॉन वेवर ने अब यहाँ पर बात करी कि भाई किस तरीके से हमारे जो रिलेशंस हैं आसपास के लोगों के साथ, मतलब एक तो साइकोलॉजिकली इसने ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आया जॉन वेवर, और इसने ये कहा कि आपके साइकोलॉजिकल कारणों से भी दिक्कत हो सकती है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है, प्लस
आपकी जो रिलेशंस हैं उनकी वजह से भी एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। देन एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट। एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट ये 17 से 18 सेंचुरी तक का सारा टाइम पीरियड है। इसमें अब हम कह सकते हैं कि ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो कंट्रीज में ज्यादातर हिस्सा साइंटिफिक हो चुका था। अब लोगों ने ये मानना छोड़ दिया था कि भाई भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ है, अब हम पूरी तरीके से साइंटिफिक हो चुके थे, वो एक बड़ा हिस्सा सोसाइटी का। तो अब यहाँ पर रिफॉर्म होने चालू हुए, यहाँ पर आती है रिफॉर्म मूवमेंट्स। रिफॉर्म कैसे कि डी इंस्टीट्यूशनलाइज उन्होंने करना चालू किया। अब जो मतलब इंस्टीट्यूशन बड़े दूर दूर बनाए जाते थे घरों से, उनके लिए बहुत अलग सी हमारी मन में इमेज थी कि भाई ये तो पागल लोग हैं, उन सब चीजों को हमने बदलने की कोशिश करी, उन लोगों को सोसाइटी का मेंबर बनाना चाहा और एक अच्छा दर्जा उन्हें सोसाइटी में देने की हमने कोशिश करी, जो भी मेंटली इल लोग थे उन सबको। ये सब हुआ रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर। उसके बाद फाइनली लास्ट अप्रोच आती है हमारी इंटरैक्शनल अप्रोच। इंटरैक्शनल अप्रोच को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि इसमें ये कहा जाता है कि भाई हमारी तीन जो मेजर एरियाज हैं, मतलब कि ये लेटेस्ट अप्रोच मानी जाती है। तो जैसे अभी साइकोलॉजिकल में साइकोलॉजिकल पर फोकस था, बायोलॉजिकल में ब्रेन बॉडी पर फोकस था, तो इस तरीके से इंटरैक्शनल अप्रोच में तीन मेजर उन्होंने एरिया बोले कि भाई आपकी बायोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी और आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये तीनों चीजें मिलकर ही बता सकती हैं कि आपको क्या डिसऑर्डर है, कितना है। तो ये बात करी इंटरैक्शनल अप्रोच में। आई होप यहां तक चीजें हमें क्लियर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो अगला अब टॉपिक हमारे सामने आता है कि भाई किन किन कारणों से हमें डिसऑर्डर हो सकता है, ये हमें बताते हैं फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर। तो एक कारण है बायोलॉजी, हमारी बायोलॉजी की वजह से भी हमें डिसऑर्डर कई बार हो जाते हैं। तो बायोलॉजी की वजह से कैसे हो जाते हैं, बायोलॉजी की वजह से हो जाते हैं कि मान लो आपके अंदर कोई हॉर्मोन्स हैं आपके, तो हॉर्मोन्स में कोई भाई कम ज्यादा मात्रा हो गई, कोई जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक अपना सिग्नल भेजता है ना, तो वो जो बीच में गैप होता है उनके साइनेप्स जिसे हम बोलते हैं, आपने 11th क्लास में सब पढ़ा है, तो उस साइनेप्स में जो ट्रांसमिशन हो रहा होता है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन जिस फॉर्म में पहुंचाता है, जो वो केमिकल रिलीज करता है, जो अगला पकड़ लेता है केमिकल को, वो केमिकल को हम नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जो एक न्यूरॉन छोड़ता है दूसरा न्यूरॉन उसे पकड़ लेता है, दैट केमिकल इज कॉल्ड द न्यूरो ट्रांसमीटर। और उस न्यूरो ट्रांसमीटर में जब कोई दिक्कत आ जाती है, मतलब सही तरीके से काम नहीं करता, तब हमें डिसऑर्डर या फिर कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज जेनेटिक। तो जेनेटिक इसी का ही पार्ट है बायोलॉजी का ही, पर फिर भी इसे अलग हिस्सा बना दिया है। तो जेनेटिक का मतलब आप समझते हैं कि भाई जब फॉल्टी जीन्स हो जाए, और एक जीन नहीं होता, बहुत सारे जीन्स जब फॉल्टी आ जाए हमारे अंदर, तब भी डिसऑर्डर पैदा हो सकता है। देन आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो अब जहां हमने बात करी साइकोलॉजिकल फैक्टर, तो भाई कोई एक तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि साइकोलॉजी में तो हमें पता है कितने सारे व्यूज हैं। साइकोडायनेमिक अलग है, बिहेवियरल लोग अलग बात करते हैं, कॉग्निटिव अलग बात करते हैं, ह्यूमनिस्टिक अलग बात करते हैं। तो इस तरीके से यहां पर हमारा डिवीजन है व्यूज का। तो साइकोलॉजिकल के अंदर सबसे पहला आता है साइकोडायनेमिक। साइकोडायनेमिक वाले मतलब कि अपने ये सिगमंड फ्रॉयड भाई साहब ये क्या बोलते थे भाई कि जो भी दिक्कत है आपके पास्ट में, अभी बचपन से लेके आज तक जो भी कुछ हुआ है, सब कुछ आपको अफेक्ट कर रहा है, और मेनली आपका बचपन, इवन आपकी इन्फेंसी, उस स्टेज से लेके जो भी आपके अनकॉन्शियस, आपके डिजायर्स, आपके अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स रह गए हैं माइंड में, वो सब आपके कॉन्फ्लिक्ट आज आपके डिसऑर्डर को पैदा कर सकते हैं, ये मानता है साइकोडायनेमिक अप्रोच। देन बिहेवियरल अप्रोच बहुत सिंपल है, वो कहती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्रॉइड वगैरह ऐसी बातें करते हैं भाई, इनको कुछ नहीं पता है, जो भी है अभी, जो भी है अभी का प्रेजेंट हमने देखना है, तो आपकी लर्निंग में कोई ना कोई दिक्कत है, इस वजह से आज आपको कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर या फिर डिसऑर्डर हो रहा है। कॉग्निटिव अप्रोच वाले ये मानते हैं कि भाई कल्प्रिट आप ही हो, आपके दिमाग के अंदर ही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, मतलब आप ही ने कुछ गलत थॉट सोच लिया है, इरेशनल थॉट आपने सोच लिया है, इरेशनल थॉट आपने मन में बिठा लिया, उसी को आप पकड़ के बैठे हो, इस वजह से सारी दिक्कत आपको हो रही है। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल लोग, फिर इनकी थोड़ी सी अलग आइडियोलॉजी है। ह्यूमनिस्टिक वाले लोग ये मानते हैं कि भाई सेल्फ एक्चुअलाइज हमें होना है, हमें अपना फुलेस्ट पोटेंशियल अचीव करना है, अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आप अच्छी लाइफ नहीं जी पाओगे, फिर आपको एबनॉर्मल बिहेवियर देखना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। एग्जिस्टेंशियलिस्ट लोग ये बोलते हैं कि भाई बाय बर्थ आपके पास पूरी फ्रीडम थी अपनी लाइफ को अपने तरीके से डिजाइन करने की, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये आप ही की गलती है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट लोगों का सिंपल सा बिलीव है कि भाई आप एग्जिस्ट करते हो ना, यही बहुत है अपने आप।
आप एग्जिस्ट कर रहे हो तो आपके पास फुल फ्रीडम है अपनी लाइफ को मीनिंग देने की। इवन लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांसिस में भी आप अपनी लाइफ को मीनिंग दे सकते हो। तो जो लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, जो लोग अपनी लाइफ को खुद मीनिंग अच्छा देते हैं, वो तो अच्छी लाइफ जीते हैं, वरना बाकी लोग डिसफंक्शनल यानी कि यही अबनॉर्मल बिहेवियर वाली लाइफ को जीते हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आते हैं सब फैक्टर। उसके बाद अगला जो मेजर फैक्टर है वो है सोशियो कल्चरल फैक्टर। तो सोशियो कल्चरल फैक्टर भी बहुत प्रैक्टिकल है। सोशियो कल्चरल फैक्टर का ये मानना है कि भाई सोसाइटी, हमारा कल्चर, इसकी वजह से भी हमें डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिसऑर्डर या कोई भी अबनॉर्मल बिहेवियर में हो सकता है। आप कहोगे कैसे? तो इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि मान लो कोई एक फैमिली ऐसी है कि जिसमें लोग बिल्कुल एक दूसरे के अंदर घुस के रहते हैं, बिल्कुल मतलब कि एक एक डिसीजन हर कोई एक दूसरे का ले रहा है। तो ऐसी फैमिली के जो बच्चे होंगे उन बच्चों को कल को जाके इंडिपेंडेंट होने में दिक्कत होगी, है ना। और एक ऐसा ऐसी फैमिली है जिसमें किसी को कोई लेना देना ही नहीं है एक दूसरे से, ऐसी फैमिली मेंबर्स के जो बच्चे होंगे उस फैमिली के, उनको कल को किसी पे ट्रस्ट करने पे, किसी के साथ रिलेशन बनाने में इशू होगा। तो ऐसे हमें पता चलता है कि सोसाइटी भी, हमारा कल्चर भी कई बार हमारे अंदर अलग अलग तरीके के एबनॉर्मल बिहेवियर को पैदा कर सकता है। देन कम्स द फाइनल और बहुत ही प्रैक्टिकल जो हमारा मॉडल है वो है डायाथीसिस मॉडल। तो डायाथीसिस मॉडल क्या कहता है? ये कहता है कि भाई डिसऑर्डर होने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत है। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा होता है ना जॉब्स का, तो ऐसे ही डिसऑर्डर होने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वैसे तो दो ही चीजें हैं, मतलब तीन में कंफ्यूज मत ही हो चलो आप, दो चीजें हैं, दो चीजें मेजर याद रखो। सबसे पहला डायाथीसिस, दूसरा स्ट्रेस। नाम में ही है ना, तो डायाथीसिस स्ट्रेस मॉडल। तो डायाथीसिस का होना जरूरी है और दूसरा आपका स्ट्रेसर का होना जरूरी है और तीसरा छोटा सा एक और पॉइंट है विच इज वल्नरेबिलिटी। तो डायाथीसिस मतलब क्या? कि बायोलॉजिकली पहले से ही जीन्स आपके अंदर है। मतलब इसको मैं समझाने के लिए हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आप जंगल में जा रहे हो और शेर वहां पर जंगल में ऑलरेडी मौजूद है। शेर का पहले से जंगल में होना इज कॉल्ड डायाथीसिस, मतलब कि आपके अंदर ऑलरेडी, लेट्स से आपके अंदर फॉल्टी जीन्स है एंग्जाइटी के, मतलब जो जीन्स एंग्जाइटी को पैदा कर सकते हैं, या फिर सेरोटोनिन की मात्रा आपके अंदर कम है तो उसकी वजह से मान लेते हैं कि एंग्जाइटी होती है, तो वो ऑलरेडी आपके अंदर दिक्कत है। ये हो गया डायाथीसिस, कि बायोलॉजिकली पहले से ही दिक्कत आपके अंदर मौजूद है, दिस इज कॉल्ड डायाथीसिस। देन स्ट्रेसर, स्ट्रेसर मतलब कि अब जिंदगी में कोई बहुत बड़ा स्ट्रेसर आ गया। स्ट्रेसर पढ़ा है ना आपने अपने टर्म वन के, उसमें चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था। स्ट्रेसर क्या होते हैं? कोई भी ऐसा इवेंट जो हमें स्ट्रेस देने की क्षमता रखता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेसर। तो मान लो ब्रेकअप हो गया, मान लो कोई यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे, भाई तैयारी हमारी नहीं हो पाई, और भी कुछ भी मेजर ट्रेजेडी होगी लाइफ में, तो ये ट्रेजेडी होना इज स्ट्रेसर। तो अब आपके अंदर डायाथीसिस पहले से था, ऊपर से ट्रेजेडी भी हो गई, कोई स्ट्रेसर भी आ गया, साथ में आप वल्नरेबल टाइम पीरियड में भी हो। वल्नरेबिलिटी का मतलब इसी तरह से होता है कि भाई आप वल्नरेबल हो इस टाइम पे, मैं ज्यादा मतलब वल्नरेबल हूँ। जैसे माना जाता है कि एडोलेसेंट की एज ज्यादा वल्नरेबल होती है ये सारी गलत हरकतों के लिए, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन वगैरह। तो वल्नरेबिलिटी अगर आपके अंदर है, स्ट्रेसर अगर आपकी लाइफ में आ गया और डायाथीसिस अगर मौजूद है, तो ये तीनों चीजें जहां मिल जाती हैं वहां पर एक डिसऑर्डर पैदा हो सकता है, ये कहता है डायाथीसिस स्ट्रेस मॉडल। आई होप यहां तक की सारी चीजें हमें क्लियर होंगी। इस चैप्टर में मेजरली यही था। अब हम डिसऑर्डर्स पर जाएंगे, डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, बट उससे पहले सबसे बड़ी चीज, सबसे जरूरी चीज जो समझना जरूरी है वो ये है कि डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई कौन करता है। मतलब आज जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसे आप सिम्टम बताते हो कि मुझे ये सिम्टम है, तो आपको दवाइयां दे देता है और आप ठीक हो जाते हो, तो ऐसे में साइकोलॉजिकल अगर हम बात करें कि मुझे ये सिम्टम है, तो ये सिम्टम के हिसाब से आपको ये डिसऑर्डर है या ये डिसऑर्डर है, ये साइकोलॉजिस्ट कैसे समझ पाते? इसका जवाब है DSM और ICD। तो DSM-5 और ICD-10, वैसे अब तो 11 भी आ गई है। तो DSM और ICD ये दो ऐसी बुक्स हैं, ये दो ऐसी मैनुअल्स हैं जिसके अंदर सारी डिटेलिंग लिखी होती है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, कि भाई लेट्स से एंग्जाइटी ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर रखता है, डिप्रेशन किसी को है तो उसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, उसके क्राइटेरिया, उसके कॉजेज वगैरह वगैरह सारी चीजें इन दोनों में लिखी है। अब आप कहोगे फिर इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि DSM देता है हमें अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, उसका पब्लिशर है। ICD का जो पब्लिशर है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ICD का 11th वर्जन है और DSM का 5th वर्जन है। अब इन
के हिसाब से हम समझे, वैसे आपकी एनसीईआरटी में इस बार DSM-5 के हिसाब से बताए गए सारे डिसऑर्डर, तो DSM-5 में कुछ मेजर डिसऑर्डर जो इस बार आपको बताए गए हैं वही है। मतलब DSM-5 में तो बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, पर उन बहुत सारे डिसऑर्डर में से एनसीईआरटी ने जो आपके लिए पिक करे हैं वो ये कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो हम इन्हें समझना चालू करेंगे, बट यहां पर अगर आप अभी तक लगातार वीडियो को सुनते आ रहे हो तो आपको और मुझे भी एक छोटी सी ब्रेक चाहिए, तो 2-3 मिनट के लिए वीडियो आप पॉज कर सकते हो, और मैं भी पानी वानी पिया हुआ है, तो चलो फिर पॉज करो, फिर उसके बाद पढ़ते हैं आगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ओके, हाँ तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इसमें सबसे पहले तो भाई ये आपने याद करने हैं डिसऑर्डर यार, तो अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। तो अब याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो मतलब देखो जो पॉइंटर्स मैंने इसमें लिखे हैं बहुत ही शॉर्ट से उसमें, ये तो आपने बिल्कुल ही याद करने हैं। बाकी एनसीईआरटी में जो आपके सिम्टम्स दिए गए हैं ना, उससे थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ लेना, क्योंकि वो लिखने बहुत जरूरी हो जाएंगे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नाउ बिफोर गोइंग टू द मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाला पार्ट, मैं बस एक चीज आपको बताना चाह रहा था कि अब आगे जो आप एक्सप्लेनेशन सुनने वाले हैं वो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी शॉर्ट वे में करी गई है, है ना, क्योंकि बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं और इसमें मेजर पार्ट लर्निंग वाला है जैसे मैंने अभी बताया, तो इसलिए अब एक्सप्लेनेशन थोड़ा उस हिसाब से करी गई है कि भाई थोड़ा शॉर्ट में आपको समझ आ जाए और बाकी आप याद कर सकें उसके सिम्टम्स। बट अगर आपने डिटेल में चीज़ों को समझना है, सिम्टम्स के भी मीनिंग को समझना है बहुत डिटेल में, तो ये जो आई आइकन में वीडियो आपको दिख रही है ना, इसमें बहुत ही डिटेल में लगभग एनसीईआरटी से पूरा लाइन बाय लाइन ही एक्सप्लेन मैंने आपके लिए किया है पूरा डिसऑर्डर वाला पार्ट, तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो, ठीक है, बढ़िया ढंग से भी मतलब समझ आ जाएगा आपको। तो अब फर्दर आगे आप वीडियो कंटिन्यू करो, आई होप आपको समझ आए, ठीक है। तो अब मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में सबसे पहला जो डिसऑर्डर आता है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। अब मैं बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी से सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो एंजाइटी क्या कहता है यार, एंजाइटी सबसे पहले होती क्या है, बहुत ही वेग होती है, बहुत ही अनप्लेजेंट सी होती है, हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत ही मतलब डर सा हमें लगता है और ये भी नहीं पता किस चीज का है, ऐसी कुछ फीलिंग को हम कहते हैं एंग्जाइटी। अब एंग्जाइटी डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहला जो टाइप का एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है वो होता है जर्नलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसमें अंदर चार मेजर टाइप के एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, सबसे पहला है जर्नलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें कि हमें एंग्जाइटी फील होती है, यही सारी जो मैंने अभी बातें बोली वरी अप्रिहेंशन वगैरह की फीलिंग, पर हमें पता नहीं होता कि यार क्यों फील हो रही है और सडनली होती है, मतलब कि मैं अभी बैठा हूं सब ठीक है और सडनली मुझे ना ऐसा लगने लगेगा कि नहीं यार कुछ कुछ ठीक नहीं है, मुझे कुछ डर सा लगने लगेगा, मेरे अंदर हाइपर विजिलेंस आ जाएगी, मैं स्कैन करने लग जाऊंगा एनवायरमेंट में सारे मतलब डेंजर वगैरह को, ये भी हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है, ये सब होता है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। देन आता है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक दूसरे टाइप का डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, इसमें सडन स्पाइक होती है, मतलब कि सडनली आपको एपिसोड्स आते हैं एंग्जाइटी के, पैनिक अटैक होता है आपको बेसिकली, मतलब कि आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हो और बहुत ज्यादा एंग्जाइटी पीक पर पहुंच जाती है, मतलब कि हाईएस्ट फॉर्म आपकी, आप जितना ज्यादा से ज्यादा एंग्शियस हो सकते हो उतना ज्यादा एंग्शियस आप हो जाते हो सडनली, और अटैक आते हैं इसमें आपको बार बार, रिकरेंट एंग्जाइटी के अटैक्स आना इज कॉल्ड पैनिक अटैक। इसके अंदर हमें मतलब इंसान को ऐसा डेथ तक लग सकता है, बाकी सारे सिम्टम आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रहे हैं ये सब पढ़ते हैं ना, नहीं आपने याद करने ये सारी चीजें। देन फोबियाज, फोबियाज क्या होते हैं, फोबियाज अब तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया और फियर में फर्क होता है। फियर क्या है कि आप बोलो कि भाई मुझे शेर से डर लगता है, मुझे शेर के सामने जाने से डर लगता है, वो फियर हो गया, वो लॉजिकल है, वो सच है, भाई शेर के सामने जाओगे वो खा जाएगा, पर फियर के आप बोलो मुझे शेर की फोटो से डर लग रहा है, दिस इज कॉल्ड फोबिया। आप कहो मुझे सांप से डर लगता है, दिस इज फियर, बट आप कहो कि मुझे ये रस्सी सांप जैसी लग रही है इससे डर लग रहा है, दिस इज फोबिया। मतलब कि इरेशनल फियर, जो कि रैशनल नहीं है, जो कि लॉजिकल नहीं है, ऐसा फियर इज कॉल्ड फोबिया। तो फोबिया तीन तरीके के होते हैं, सबसे पहला फोबिया होता है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया सिंपल सी बात कहता है कि जब आपको किसी स्पेसिफिक चीज से डर लग रहा है, कोई भी इसमें कोई चीज लगा लो, मुझे भाई कॉकरोच से डर लगता है, मुझे भाई लेट से हाइट का डर है, मुझे बंद जगहों का डर है, ये सब कुछ को हम कहते हैं स्पेसिफिक फोबिया, कि किसी स्पेसिफिक चीज से फोबिया है आपको। देन आता है अगला जो टॉपिक इसके अंदर फोबिया का पार्ट, दैट इज कॉल्ड
अगोराफोबिया। अगोराफोबिया का मतलब होता है अनफेमिलियर जगहों पर जाने से फोबिया होना, मतलब कि आप एक घर पे रहते हो तो सब ठीक है, पर घर से बाहर निकलते हो किसी भी अनफेमिलियर जगह पर जा रहे हो वहां पर जाने का अगर आपको फोबिया है दैट इज कॉल्ड अगोराफोबिया। देन कम्स द सोशल फोबिया। सोशल फोबिया को हम सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको जब सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करने में डर लगता है दैट इज कॉल्ड सोशल फोबिया। उसके बाद लास्ट तरीके का एंग्जाइटी डिसऑर्डर है सैड, यानी कि सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। वो जो आपने बच्चे देखे जो बड़ा ही ज्यादा रोते पीटते हैं, स्कूल नहीं जाना, मुझे जब पहली पहले दिन स्कूल जा रहे होते हैं, मम्मी के साथ चिपके रहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अगर वो एक्सट्रीम लेवल पर है, मतलब कि अगर तो बच्चा कर रहा है तो ठीक है, पर अगर आप आज इस स्टेज पे आके भी ऐसे रोते हो, मम्मी से दूर नहीं होते हो, स्कूल जाने में इतना ज्यादा आपको ये होता है, तो दैट इज मे बी सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर का बेसिकली मतलब क्या हुआ यार, कि आपने आपको एंग्जाइटी है, किससे एंग्जाइटी है, सेपरेशन की एंग्जाइटी, आपको डर लगता है सेपरेट होने से। किससे सेपरेट होने से, अपनी किसी भी सबसे ज्यादा अटैच्ड फिगर से, यानी कि लेट से मम्मी से आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो तो मम्मी से दूर होने का डर, उसी की एंग्जाइटी, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ठीक, इसके अंदर के सिम्टम अगेन आपके सामने है, ये आपने पढ़ने हैं, याद करना है। उसके बाद अगला डिसऑर्डर आता है ओसीडी। ओसीडी स्टैंड्स फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि ऑब्सेशन और कंपल्शन का मिक्सचर होता है इस डिसऑर्डर में। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज के बारे में सोच ही जा रहे हो, रुक ही नहीं पा रहे हो। जैसे किसी कई गानों में आपने सुना होगा कि तू मेरी ऑब्सेशन, मतलब भाई अगर ये सच में हो जाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऑब्सेशन का मतलब होता है कि आप उस बंदे के बारे में या बंदी के बारे में मतलब सोच ही जा रहे हो बार 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 और रोक ही नहीं पा रहे हो अपने आप को, दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशन। और कंपल्शन होता है एक्ट लेवल पर, कि जब आप किसी चीज को करी जा रहे हो और रुक नहीं पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड कंपल्शन। तो ओसीडी में ये दोनों चीजें होती हैं, ऑब्सेशन प्लस कंपल्शन, यानी कि थॉट लेवल पर भी और एक्शन लेवल पर भी जब चीजें हो, यानी कि आप कोई चीज सोच रहे हो, इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट समथिंग, एंड कंपल्शन मतलब कि इनएबिलिटी टू स्टॉप एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर वे, ये दोनों चीजें जहां है दैट इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देन पीटीएसडी। पीटीएसडी अगेन बहुत ही सिंपल सा डिसऑर्डर है, इसके अंदर आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके नाम से ही एक्सप्लेन होता है डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक, ट्रॉमा के बाद होने वाला, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा किसी ने झेला है उन लोगों को पीटीएसडी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद ये डिसऑर्डर होता है, ड्रीम्स आते हैं हमें, फ्लैशबैक आते हैं, उन सारी चीजों के। देन सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स। सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी में ये तीन डिसऑर्डर आते हैं जो आपके सामने हैं। इसमें सबसे पहला है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर क्या होता है, इसके अंदर आपको बेसिकली कोई भी तरीके के फिजिकल सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं, बट उसके लिए आपको किसी भी तरीके का बायोलॉजिकल कोई कॉज नहीं होता, मतलब बॉडीली सिम्टम इसमें हमें दिखते हैं बट उसका कोई कारण नहीं है। इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हमें एंग्जाइटी होती है पर एंग्जाइटी का कोई कारण नहीं है, इलनेस की एंग्जाइटी का ये डिसऑर्डर है। हमें लगता है कि हम बीमार हो जाएंगे, कोई ऐसे लोग आपने देखे होंगे ना जिनको बीमारी का ही डर लगता है कि मुझे तो भाई कैंसर हो जाएगा, मुझे तो भाई अस्थमा हो जाएगा, ये सारी चीजें, इन सब का जो डर होता है, इलनेस की एंग्जाइटी जिन लोगों को होती है जिसका कोई कारण नहीं है, मतलब अभी प्रूव नहीं हुआ कि आपको ये डिसऑर्डर है या हो सकता है ये बीमारी, बट आपको डर है, दैट इज कॉल्ड इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर। यहां पर भी अगेन क्या है, एंग्जाइटी है, मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है यहां पर हमें, बट उसका भी कोई बायोलॉजिकल कारण नहीं है, उसमें फिजिकल प्रॉब्लम थी उसका भी कोई बायोलॉजिकल कारण नहीं था, इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है दैट इज एंग्जाइटी, बट उसका भी कोई कारण नहीं है। देन कम्स द कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर इज लाइक नेक्स्ट लेवल, मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल डिसऑर्डर इसी का, सोमैटिक सिम्टम का। इसमें जैसे सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में आप क्या कहते हो कि भाई बॉडी में पेन हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है पर उसका कोई कारण नहीं है, इसमें आप ये कहते हो कन्वर्जन में कि मेरा हाथ ही नहीं है, मतलब हाथ है ही नहीं मेरा, या मतलब कोई भी बेसिक सेंस मेरी काम ही नहीं कर रही है, पर असल में कर रही होती है, पर उस इंसान को लगता है कि वो चीज काम ही नहीं कर रही है, बेसिक फंक्शन आपके खराब हो गए हैं या फिर कोई बॉडी पार्ट है ही नहीं है, बट अगेन उसका भी कोई बायोलॉजिकल कारण नहीं होता। देन कम्स डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का क्या मतलब है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में अब अगेन ये तीन तरीके के डिसऑर्डर आते हैं। सबसे पहले आता है डिसोसिएटिव एमनीजिया। डिसोसिएटिव एमनीजिया का मतलब कि एक्सटेंसिव बट सेलेक्टिव मेमोरी लॉस, मतलब कि आपको मेमोरी लॉस हुई है बट ऐसी कि सेलेक्टिव, मतलब लेट से कि लास्ट एक महीने की मेमोरी चले गई है बस, पर वो इतनी ढंग से गई है कि कुछ भी नहीं याद उसका, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत कुछ चीजें याद है कि हाँ यार दोस्त के साथ थोड़े बहुत मजे वजे किए थे, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं याद,
तो एक्सटेंसिव लॉस है बट सेलेक्टिव मेमोरी का लॉस है, ये होता है डिसोसिएटिव एमनीजिया के अंदर। उसके बाद आता है डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम एक और नाम देते हैं विच इज कॉल्ड मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मतलब कि आपके अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटीज इसमें हो सकती हैं, दो या दो से ज्यादा जितनी मर्जी पर्सनैलिटीज आपके अंदर हो सकती हैं। जैसे एक मान लो अभी आप नॉर्मली आप एक्सट्रोवर्ट हो, बट आपकी दूसरी पर्सनैलिटी हो जाए आपके अंदर जो आप इंट्रोवर्ट है, तो कभी कोई पर्सनैलिटी आ जाए, कभी कोई पर्सनैलिटी आपकी आ जाए, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑल्सो नोन एज डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। देन कम्स डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब होता है एक ड्रीम लाइक सी स्टेट हमें लगती है, आपको लगता है कि भाई ना मेरा इस बॉडी से कोई लिंक है, ना ही मेरा मेरे आसपास के एनवायरमेंट से कोई लिंक है। आपको लगता है कि ड्रीम सी सिचुएशन में मैं जिंदा हूं, और ना ही ये सच है ना ही बाहर कुछ सच है। मतलब ये कुछ ऐसी ऐसी बातें, बहकी बहकी सी बातें करने लगते हैं लोग, वो फील करने लगते हैं ऐसी चीजें कि कुछ भी सच नहीं है। आपको बॉडी से भी कोई लिंक नहीं लगता, आपको अपनी रियलिटी से भी कोई लिंक नहीं लगता। इस तरीके की स्टेट होती है डीपर्सनलाइजेशन, वेरी वेरी पेनफुल एंड वेरी ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है ये। जो फील कर रहा होता है बस उसे ही पता है कि कितनी ज्यादा भयंकर सिचुएशन है। देन डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर अब आता है यहाँ पे, जो बहुत सारे मिथ आपके तोड़ेगा। डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है शब्द इस लॉकडाउन वगैरह के बाद, बट भाई डिप्रेशन वो नहीं है कि आप उदास हो गए, दोस्त ने बात नहीं करी उदास हो गए, गर्लफ्रेंड ने मैसेज नहीं किया तो आप उदास हो गए, नहीं भैया ये डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन जो डिसऑर्डर है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन में अलग तरीके के होते हैं, यहाँ पर आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बताया गया है। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए जो क्राइटेरिया है वो पढ़ लो क्या है, डिप्रेस्ड मूड फॉर लॉन्ग टाइम, ये एक क्राइटेरिया है कि लंबे समय तक, इसमें लंबे समय तक भी जो मैं कह रहा हूँ वो लगभग लगभग कम से कम नहीं तो आपका दो हफ्तों से ज्यादा का फेज होता है, तब तक आपको लगातार डिप्रेस्ड मूड है दो हफ्तों तक लगातार, ऑल्सो अलॉन्ग विद सम अदर सिम्टम्स। ये भी जरूरी है कि बाकी भी सिम्टम आपको हो रहे हैं, जैसे कि स्लीप प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि स्लीप रूटीन आपका बिल्कुल ही बिगड़ गया है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डिफरेंट हो गया है, इच्छा से नहीं वैसे ही बिगड़ गया है, वेट आपका बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो गया है, तो चांसेस हैं कि डिप्रेशन आप फेस कर रहे हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं। तो डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस नहीं होता, डिप्रेशन में कंटिन्यूअस लॉन्ग टाइम तक आपका डिप्रेस्ड मूड रहे और उसके साथ साथ और भी कुछ सिम्टम्स आपको हो, जैसे कि स्लीप में प्रॉब्लम होना, वेट में प्रॉब्लम होना, या फिर इसके अलावा होता है कि प्लेजर ना मिलना उन एक्टिविटीज में जिसमें पहले आपको प्लेजर मिलता था, वगैरह वगैरह। देन आता है बायपोलर डिसऑर्डर। बायपोलर डिसऑर्डर का मतलब होता है कि भाई इसमें बायपोल मतलब कि दो पोल है यहाँ पे, एक पोल पे हम रखते हैं डिप्रेशन को, ये जो हमने अभी पढ़ा कि बिल्कुल डिप्रेस्ड मूड है, एक पोल पे आता है मेनियाक। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, डिप्रेशन में लगा लो आपका रणवीर कपूर और मेनिया में लगा लो रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह जैसे बिल्कुल ही एक्टिव रहता है, और एक मतलब रणवीर कपूर को मुझे तो इतना ही पता है कि ज्यादातर मूवी उन्होंने डिप्रेस्ड वाली ही करी है, तो डिप्रेस्ड मूड अगर आपका है और साथ में मेनियाक भी है, मतलब कभी कभी ये कभी कभी वो, तो दिस इज कॉल्ड बायपोलर डिसऑर्डर कि दोनों पोल्स हैं भाई, कभी ये हो रहा है कभी ये हो रहा है। तो मेनिया प्लस डिप्रेशन इसके अंदर होता है, दोनों चीजें होती हैं इसके अंदर की कैटेगरी है। तीन तरीके के होते हैं, बायपोलर वन, बायपोलर टू और साइक्लोमेटिक। बायपोलर वन में क्या होता है कि आपको फुल फ्लेज्ड मेनिया का एपिसोड होगा, मतलब डिप्रेशन और मेनिया इसमें आपको दोनों होते हैं, बट जब मेनिया का फेज आता है तो मतलब फुल फ्लेज्ड मेनिया का फेज आएगा। मेनिया मतलब बहुत ज्यादा हाइपरली एक्टिव जहां पर आप होते हो, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड जहां पर आप होते हो, यूफोरिक जैसे हाई टाइप आप फील करते हो, वो होता है मेनिया का फेज। तो मेनिया का फेज फुल फ्लेज्ड वे में आता है बायपोलर वन में, और बायपोलर टू में ये थोड़ा सा मतलब आपको लेस सीरियस लगता है, हाइपोमेनिया होता है इसमें, हाइपोमेनिया मतलब कि कम इंटेंसिटी का। और साइक्लोमैथिक में दोनों ही चीजें बहुत कम कम होती हैं, आपको डिप्रेशन भी बहुत माइल्ड लेवल का होता है और मेनिया भी बहुत माइल्ड लेवल का आपको फील होता है। देन अगला डिसऑर्डर आता है फीडिंग डिसऑर्डर्स, फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर। इसकी कैटेगरी में हम रखते हैं इन तीन डिसऑर्डर्स को, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो अपनी 11th क्लास में, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। इसके अलावा बस एक नया ऐड किया है जो कि है बिंज ईटिंग। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा का क्या मतलब होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब कि जब कोई पर्सन बहुत मतलब अपने आप को इतना ज्यादा उसकी डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज बन जाए कि वो देखे कि बहुत मोटा हो रहा है या बहुत उसे उसे अपनी बॉडी से इशू हो जाए, तब वो पर्सन खाना भी नहीं छोड़ देता है। और ये ज्यादातर लड़कियों में पाया जाता है डिसऑर्डर, ये मैं नहीं कह रहा, स्टडीज ने कहा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर पर्सन डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज अपनी बना लेता है और उसके ठीक करने के लिए वो खाना पीना छोड़ देता है, इवन वो स्ट्राव कर सकता है डेथ तक। दिस इज कॉल्ड एनोरेक्सिया नर्वोसा।
देन कम्स बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, ये लगभग इसकी जैसा ही है, बट इसमें ये होता है कि एक पर्सन खाता तो है, बहुत ज्यादा खा लेता है, बट उसके बाद उसे पर्ज आउट कर देता है, उसे वॉमिट आउट कर देता है, दिस इज कॉल्ड बुलिमिया नर्वोसा। देन कम्स बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग क्या होता है, बिंज ईटिंग मतलब जैसे आपने शब्द सुना होगा बिंज वॉचिंग, तो बिंज वॉचिंग में आप एक साथ लगातार सारी सीरीज देख मारते हो, वैसे ही बिंज ईटिंग में एक बार आपने खाना चालू किया तो आप रुकते ही नहीं हो, मतलब कि एपिसोड आते हैं, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर खाते रहोगे, रुकते नहीं हो का मतलब है कि एपिसोड आते हैं, कि मतलब लेट से एक बार खाना चालू किया तो बहुत सारा सारा खा गए एक साथ, और फिर दूसरी बार खाना चालू किया फिर से बहुत ज्यादा खा गए, तो खाने के एपिसोड आते हैं आपको, मतलब लगातार खाई चले जा रहे हो, खाई चले जा रहे हो, दिस इज कॉल्ड बिंज ईटिंग, ये भी एक डिसऑर्डर। दूसरा उसके बाद आता है सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। सब्सटेंस अब्यूज में बेसिकली क्या होता है कि जब आपको कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है ड्यू टू दी ओवर कंजम्पशन ऑफ एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, एल्कोहल, कोकेन, हीरोइन वगैरह वगैरह, से कोई भी सब्सटेंस अगर आप ले रहे हो, किसी भी तरीके के नशे आप कर रहे हो और उसकी वजह से आपको डिसऑर्डर होता है जब, तो उसे हम कहते हैं सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, कि आपने सब्सटेंस को यूज नहीं किया, अब्यूज कर लिया और उसके लिए अब डिसऑर्डर आपको भुगतना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। इसके बारे में डिटेल थोड़ी सी है, वो आप पढ़ सकते हैं आपके एनसीईआरटी में, उसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाकी मेनली इसमें यही है। तो उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया आता है। स्किज़ोफ्रेनिया को समझने के लिए जो पिक आपके सामने अभी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, इस पिक को आप देख सकते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके पॉजिटिव सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया की, ये इसके नेगेटिव सिम्टम्स है, और ये इसके कुछ साइकोमोटर सिम्टम्स है, बॉडीली सिम्टम्स है। तो ये सारे सिम्टम्स आपने याद करने हैं, इसी नोट्स में जितनी शब्द लिखे हैं बस इतना ही याद कर लो, इसके लिए इतना मोर देन इनफ है। आई होप चीजें यहां तक की आपको क्लियर है। अब यहां पर हमारे चैप्टर का एक लास्ट पार्ट रह गया है, मतलब एक लास्ट डिसऑर्डर रह गया है जो हमने अब कवर करना है, दैट इज द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। तो अब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर होते हैं जो कि बचपन से ही चालू हो जाते हैं, चिल्ड्रन रिलेटेड डिसऑर्डर हम इसे कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहला आता है एडीएचडी। एडीएचडी का क्या मतलब होता है, एडीएचडी इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि अटेंशन जो बच्चे नहीं दे पाते। इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, एक होता है इन अटेंशन, एक होता है इसके अंदर हाइपर एक्टिविटी एंड इंपल्सिव बिहेवियर। इंपल्सिव बिहेवियर का यहां पर क्या मतलब है कि अब आपको जो भी मन में आ रहा है आप सीधा वो कर दे रहे। तो इन अटेंशन यानी कि वो बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, कहीं पर ज्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, हाइपरली एक्टिव हो जाते हैं, मतलब कि शांत कहीं बैठ नहीं सकते हैं टिक के, और वो बच्चे इंपल्सिव हो जाते हैं, मतलब जो उनकी इंपल्स कहती है सडनली जो माइंड में आया सीधा वही वो बच्चे कर देते हैं। ये होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में। देन कम्स ऑटिज्म। ऑटिज्म का क्या मतलब है, ऑटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इसके सिम्टम बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, ये बेसिकली सोशल और आप इसे कम्युनिकेशन रिलेटेड डिसऑर्डर कह सकते हैं। ऑटिज्म इज ए सोशल एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड डिसऑर्डर जो आपकी सोशल फंक्शनिंग को, आपकी सोशल इंटरेक्शन को पूरी तरीके से खत्म करने की क्षमता रखता है। इसके अंदर बच्चे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर बच्चे लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं ज्यादातर केसेस में, सही तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, लोगों की चीजों को समझ नहीं पाते हैं, सही रिलेशन फॉर्म नहीं कर पाते हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे सिम्टम है जो ऑटिज्म के अंदर होते हैं। इसके लिए आपको ये पैराग्राफ एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, इसको आपने अपने चैप्टर नंबर 1 में भी समझा है क्लास 12th के, विच इज मेंटल रिटार्डेशन। तो इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी में आपने बस तीन चीजें याद रखनी है, एक ये कि इन बच्चों का आईक्यू 70 से कम होता है, दूसरा ये कि एपीए की इसकी डिफाइन क्या थी। तो एपीए की डिफाइन ये थी कि इसके अंदर आपकी सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है, आप मतलब जिसको भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो अपने एनवायरमेंट को इजीली अडेप्ट नहीं कर पाता है, और तीसरा इसके सिम्टम्स 18 ईयर से पहले पहले हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये सब आप याद रखेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। और ऑटिज्म के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक लिंक भी है, ज्यादातर ऑटिज्म जिन बच्चों को होता है उनको, ज्यादातर बच्चों में उनमें से उन बच्चों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी पाई जाती है। देन लास्ट डिसऑर्डर जो इस चैप्टर का हमारा बचता है वो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का मतलब है, जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, स्पेसिफिकली लर्निंग के रिलेटेड ये हमारा डिसऑर्डर है। तो इसका मतलब है कि जब रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है, ऐसे डिसऑर्डर को हम कहते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। इसके अंदर का सबसे पॉपुलर जो डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड डिसलेक्सिया, जो कि हमें तारे जमीन पर मूवी में भी दिखाया गया। तो डिसलेक्सिया एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर था, तभी उसको क्या नाम था उस बच्चे का, जो भी था ईशान में भी, तो उसे ये दिक्कत होती थी कि भाई उसको शब्द कुछ और दिखते थे,
पी उसको डी जैसा दिखता था या क्यू जैसा दिखता था वगैरह वगैरह, ये सब दिक्कतें उन बच्चों को आती है जिन्हें स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होता है जैसे कि डिसलेक्सिया। तो आई होप यहाँ तक की सारी चीजें अब आपको क्लियर होंगी। हमने आपका पूरा चैप्टर चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया है इस एक वीडियो में। फर्स्ट टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक तक सारे टॉपिक आपके इस चैप्टर में कवर करवाए गए हैं। अब आपने बस ये करना है कि यार देखो इस चैप्टर में ना जो डिसऑर्डर्स वाला पार्ट है वो पार्ट ज्यादातर समझाने वाला नहीं था। मैंने कोशिश करी है कि आपको चीजें समझ आ सके, बट उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, उसके जो सिम्टम्स हैं, तो वो सिम्टम अब आपने याद करने, अब आप काम आपका है यहाँ से चालू होता है, मेरा काम यहाँ खत्म होता है। अब इस वीडियो के लिए इतना ही, और अब आपने ये करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है और हर साइकोलॉजी स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें कि आपका चैप्टर नंबर 5 हम कवर करेंगे ऐसे ही वन शॉट रिवीजन में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक द वीडियो। सो टाटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।